सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल की एक और नई वीडियो। तो आज यार 24वीं शहरी पर 6 दिन और बचे रमज़ान के। 6 दिन बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे। रमज़ान आने का दुख तो है ही, पर ईद आने की खुशी भी है। पर इन दोनों से खुशी देखी कहाँ जाती है? ऐसी जगह जाके बैठी है दूसरे खाना देना मुश्किल है इसे। यहाँ पर जैसे तैसे इसे खाना दिया, तो वहाँ पर भी खाना बॉल में नहीं खाया, उसे पहले बाहर निकाला फिर खा रहे। खुद की मुंडी नहीं आ रही होगी, बाहर तो आए नहीं नखरेबाज इतने, बात तो मानते ही नहीं कि बाहर आके खा ले, हम प्यार से बुला रहे। तो फिर यहाँ पे जब वो बाहर आई तो उसके साथ हम खेलने लगे थोड़ा। वो आज पता नहीं अलग ही मूड में था लूसी को मारने के, पता नहीं क्या हो गया था। आज जब भी लूसी दिख रही थी उसे, वो उसके पीछे पड़ गया था उसे मारने के लिए। एकदम मतलब गुस्से में था उसके, जैसे ही वो आ रही थी ना एकदम उसके पीछे पड़ गया था कि बस अभी से मार ही दूंगा। तो बार बार हम उसे बचा रहे थे लूसी को कि से मारे ना, मम्मी भी वही थी तो मम्मी उसे बार बार बचा रही थी। और देखो जैसे ही इसे वापस ले जाते बच्चे और मज़े ले रहे, बार बार लूसी को दिखा रहे थे ताकि उसे और गुस्सा आए, उसे मारने के लिए आए, थोड़े मज़े ले रहे थे उससे जो कैसे आ रहा था। और फिर एकदम ये खुद ही थक हार के एकदम उठ के चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जब शांति वांति हो गई फिर आराम से बैठ गया, और जैसे ही मैंने कैमरा खोला ये वहाँ से फिर से उठ गया। फिर से मतलब इन्हें पता चल गया कैमरा खुल गया मेरी वीडियो बनेगी, मैं चले ही जाता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा कैमरा खोलती एकदम चला गया, पर लूसी वहीं बैठी थी साइड में। और फिर जब हमने सोचा चलो अभी नाश्ता वास्ता खाना वाना खा लेते हैं, मतलब सैरी वैरी कर लेते, तो पहले खाने के लिए आ जाता है तो खाना मांग रहा था, तो मम्मी ने नमक चटा दिया इसे। मतलब नमक इसके लिए फ़ायदेमंद भी है और इससे इसका मुँह भी बंद हो जाएगा थोड़ा, यहाँ पर चपड़ चपड़ करता रहता वरना, और अब आराम से अपना नमक चाटता रहेगा एक कोने में बैठ के। और लूसी तो अभी भी वहीं बैठी है, जब भी बाहर आती ना तो एक ही जगह बैठी रहती है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर घूमेगी फिरेगी ना, एक ही जगह बैठी रहती है खा खा के। बस माशाल्लाह से वजन बढ़ गया है बस, और कुछ नहीं हुआ। और अभी देखो फिर से सोने जा रही है, वापस वहीं चली गई है सोने के लिए। अब ये बैठ गई है और अभी ये लेट भी जाएगी, पूरी लेट गई लो फैल के पूरी। तो अभी हमने इसे खाना तो दे दिया था, बूबा की बारी थी कि बूबा को भी दे दे, तो बूबा को दिया हमने थोड़ा सा दलिया जो कि इसके लिए अच्छा है, इसकी ताकत आएगी इसमें इसकी। और तो इसने रिजेक्ट कर दिया, दलिया नहीं खाया। मैंने इसके कान खींचे तो इसने फिर और छोड़ दिया कि दलिया नहीं खाऊंगा, रिजेक्ट कर दिया साला। तो दलिया वापस पलटा, फिर इसके लिए डाली मक्का। मक्का ये शौक से खा लेता है अच्छे से, एकदम इसकी पसंद वाली चीज़ है, इसकी जितनी पसंद वाली चीज़ें भर के खाता है, फिर ज़्यादा नुकसान हो जाता है इसको। ज़्यादा भर के खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है तो मक्का ज़्यादा खाता है, इसका पेट ख़राब हो जाता है। सारी चीज़ बैलेंस खाए तो उसका पेट भी सही रहेगा। तो खाते वक्त ना इसके कान बार बार डर रहे थे खाने में, तो मैंने इसकी बेल्ट में ही फंसा दिए बाल, ताकि इसके कान जो है, सॉरी बाल कह रहा हूँ, कान जो है वो इसकी बेल्ट में मैंने फंसा दिए। और फिर आराम से इसने खाना खाया, क्योंकि बार बार गिरते रहते हैं इसके कान इतने बड़े बड़े, कम से कम 10-10, 12-12 इंच के कान हैं इसके, इतने बड़े कान हैं, बार बार खाने में गिर जाते, खाना तो दिखता ही नहीं होगा इसे कान के आगे। और फिर लूसी जब बाहर आए तो फिर से उसके साथ मस्ती करने लगे सब, उसे देखो कैसे नचा रहा है यहाँ पे, ये दो पैरों पे आराम से पंजों पे खड़ी हुई है ये लूसी, आराम से खेलने, इसे भी खेलने में मज़ा आ रहा है। जब इसे गोद में उठाते पता नहीं पूंछ क्यों आगे निकाल लेती है ये अपनी, देखो इसने अभी भी निकाल रखी है, पता नहीं क्या करती है, क्या करती होगी, क्या सोच के पूंछ निकालती है। और फिर जैसे ही बूबा आया फिर उसे परेशान करने लगी है लूसी को दिखा दिखा के। तो आज तो इसने बहुत ही लड़ाई की इससे, और फिर जब उसे छोड़ दिया फिर उससे प्यार भी करने लगा, उसके पास जाके लेट गया आराम से। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर फ्रेंडशिप भी हो गई, तो कैसे उसे अपने पास बुला रहा है। तो मिलता है आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।